और स्वयं ने भी ब्लड डोनेट किया है, संस्था की भी प्रतिनिधि के नाते हैं। दूसरी संस्था की श्रेणी में जो तीसरा नाम मिसेस अनुराधा शर्मा, ये केवल प्रतिनिधि नहीं बल्कि संस्था को रिप्रेजेंट नहीं इनके सदस्य के नाते आए हैं, मिसेस अरुणा कुमावत, और इन्होंने स्वयं ने भी ब्लड डोनेट किया है। मिस दीपिका अग्रवाल, क्यों थक गई साहब, बस इतना ही। मिसेस जागर, मिसेस किरण, प्रोफेसर डॉक्टर माया रानीता, मिसेस मोनिका, मिसेस निधि मंडावरा, मिसेस नितिशा शर्मा, राष्ट्र को समाज को एक नजीर दी है कि हम भी किसी से कम नहीं। मिस पल्लवी जैन, प्रतीक्षा, मिस प्रीति दीक्षित, मिसेस शशि के महाअभियान महायज्ञ की पूर्ण आहुति अभी बाकी है, और हमारे बीच में सम्मानित अतिथियों स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्र स्मृति चिन्ह की इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर एसएस और महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश जी मुखी का स्मृति चिन्ह दे करके इस हमारे मध्य में आसान मुखी जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमती श्रद्धा भंडारी जी, स्मृति चिन्ह देते हुए प्रथम महिला। अगर हो जाए तो बढ़िया ना। सर, राजधानी में इतना बड़ा आयोजन हुआ है और पूरे देश में पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है कि महिलाओं का रक्तदान के लिए सम्मान किया गया, किस तरह देखते हैं? बहुत ही आनंददायी कार्यक्रम है, प्रेरणादायक है, और आयोजकों की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है कि उन्होंने ये जो कंसेप्ट है कि महिला हर क्षेत्र में आज बराबर की भागीदारी है उनकी, इस क्षेत्र में भी उनकी बराबर की भागीदारी रहे, जो मिथक आज तक पैदा किए गए हैं खून देने के बारे में वो भ्रांतियां सारी दूर हो गई हैं, इस बात को महिलाओं के बीच में उनके घर पर उनके घर के अंदर ये बैठाई है, दिल के अंदर बैठाई है बात, मैं समझता हूँ
ये कार्यक्रम अद्वितीय कार्यक्रम है और स्वागत योग्य है। सर, कर्नाटक का कई बार सवाल क्या कहेंगे आप सर? क्या राज्यपाल से कोई राजनीतिक सवाल नहीं कर सकते आप? रक्तदान शिविर हुआ है, कितनी महिलाओं का सम्मान किया गया है? महिला रक्तदाता सम्मान समारोह के अंदर आज 60 महिलाओं का सम्मान किया गया है, जिसके अंदर 3 कैटेगरी हमने रखी। एक दंपत्ति कैटेगरी, जिसमें उन्होंने दोनों ने पति पत्नी उन्होंने एक साथ पिछले कितने ही वर्षों से लगातार रक्त दान कर रहे थे, जोड़े से हमेशा। दूसरा, जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर रक्तदान किया है। और तीसरा, उन संस्थाओं को जिन्होंने महिला रक्तदान को प्रोत्साहित किया, जिन्होंने महिला रक्तदाता की, जिनके रक्तदान शिविरों में ज़्यादा संख्या रही, इस प्रकार से हमने उन संस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया जो महिला रक्तदाता थी उनको भी, और जिन्होंने एक अनुकरणीय उदाहरण जोड़े के साथ देकर रक्तदान किया, मैं उन सभी को और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही स्वस्थ माताएं, युवतियां, स्वस्थ देश और स्वस्थ भविष्य बनेगा, इस अभियान को हमने चालू किया है। धन्यवाद। आयोजन बहुत अच्छा है। हर साल मैं करीब करीब साल यदि 2 साल में करती हूं रक्तदान, और महिलाओं को मैं करती हूं तो मोटिवेशन ही मिलना चाहिए। और 10 साल अग्रवाल साहब करते रहते हैं। ऐसे 5 बार किया है, और मैं ये चाहूँगी कि मेरे जैसे कई और भी हैं वो भी दें तो अच्छा रहेगा। और इस सम्मान से यही है कि और भी ज़्यादा लड़कियाँ आगे आएगी और वो देगी। ये बनी हुई है एक विचारधारा कि महिलाओं को रख देने से कमजोरी रहती है और वो अपने काम नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, नॉर्मली है। जैसे सब जेंट्स देते हैं, नहीं महिलाएं आगे आ रही है और देती भी, पर वो एक कुछ कमजोरी है उसकी वजह से नहीं दे पाती। वो आके भी फिर लास्ट में वो हीमोग्लोबिन कम बताना, वो कमियां आ ही जाती है, बाकी लड़की आ रही है। और वैसे इसमें पवन जी का विशेष योगदान है, ये मेरे भाई हैं, यही संस्था चला रहे हैं शुरू से, और इन्हीं की वजह से मैं हर